सलमान खान या फिर सोनू सूद कौन बनेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री, ये सवाल अब उठ गया है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि सोनू सूद या फिर सलमान खान कौन बनेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री, तो इसका जवाब भी आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए आप सभी को बता दूँ कि ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने इस बात को कही है कि अगर सलमान खान या फिर सोनू सूद इन दोनों में से किसी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो कोविड के जो हालत है भारत में वो अच्छे हो जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं कि जो राखी सावंत है उनका ये सब कहना आया है सामने। उन्होंने रिसेंटली ही मीडिया में बातचीत करते हुए इस बात पर कहा है कि अगर सलमान खान या फिर सोनू सूद इन दोनों में से किसी एक को अगर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो वहाँ पर जो है भारत की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और इसके पीछे कहने की उनकी जो मंशाएँ थी वो ये थी, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि लगातार कोविड के समय में दो लोग जो कि बॉलीवुड से खुल करके सामने आए हैं गरीबों की मदद के लिए, तो उसमें पहला नाम सोनू सूद का है जो कि अभी लॉकडाउन के समय में कोरोना के समय में बहुत लोगों के लिए भगवान की तरह वो सामने आए और बहुत ही बेहतरीन काम किया, उनको अपने घर तक पहुंचाया, उनको खाना दिया, उनको अस्पताल में बेड दिलवाए, ऑक्सीजन दिलाए, वेंटिलेटर दिलवाए, आईसीयू बेड दिलवाए। वहीं उसके बाद बॉलीवुड में अगर कोई सामने आया तो वो सलमान खान है। सलमान खान ने भी बॉलीवुड में छोटे काम करने वाले मजदूर हो या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हो या फिर गरीब लोग हो, उन सभी की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में लगातार वो खुद पैसे डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से दो ही लोग ऐसे हैं बॉलीवुड में जो कि खुल करके सामने आकर के काम कर रहे हैं इस कोरोना की स्थिति में। और इसी बात से प्रेरित होकर, इसी बात से खुश होकर राखी सावंत ने इस बात को कहा है कि या फिर सोनू सूद और या फिर सलमान खान इन दोनों में से किसी एक को भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और फिर देखिए भारत की किस तरीके से जो स्थिति है कोरोना को लेकर के वो अच्छी हो जाएगी। तो राखी सावंत का ये बड़ा स्टेटमेंट है, कुछ लोग इसको मजाक के तौर पर भी ले रहे हैं, कुछ लोग इस पर मेम्स बना रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है, जो उनका इंटेंशन था, वो बिल्कुल अगर आप लोग सोचें तो जिस तरीके से या सोनू सूद की हम बात करें, सलमान खान की बात करें, कोरोना के समय में जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो राखी सावंत की जो सोच है उसकी हमें सराहना करनी ज़रूर चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है, ये एक मजाकिया बात ही है, लेकिन फिर भी राखी सावंत की बात को एक बार सोचने लायक ज़रूर है। तो आप लोग क्या सोचते हैं राखी सावंत की इस स्टेटमेंट पर, और आपको क्या लगता है कि राखी सावंत ने ये जो कहा है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरिए ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही नया अपडेट के साथ, तब तक बने रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।